कोण म्हटलं आपल्याला? मुख्यमंत्र्यांनी आमदारांना आवाहन केलेलं नाहीये, या आमदारांनी परत निवडून येऊन दाखवावं, एवढंच मी सांगू शकतो. मुझे मालूम नाही, मैं किसी कॅम्प पर बात नाही करूंगा, मैं मेरे पार्टी के ऊपर बात करूंगा. आज भी हमारी पार्टी मजबूत है, पार्टी जमीन पर है, हजारों लाखों कार्यकर्ता. आज भी हमारे साथ पार्टी के साथ जुड़े हैं. कुछ MLA हमसे छोड़कर, हमको छोड़कर जाना यानी पार्टी टूट गया, ऐसा नहीं होता. पार्टी अलग है और विधायकों की बात अलग है, पार्लियामेंट्री पार्टी की बात अलग होती है. किस हालात में, किस दबाव में, किस प्रेशर में ये लोग हमें छोड़कर चले गए हैं, उसका खुलासा जल्द ही हो जाएगा. उद्धव जी ने कल जरूर आह्वान किया है कि आप आइए और बात करिए. मैं उसको बंडखोर नहीं मानता हूं, जैसे आप कहते हो ये बेईमानी है. ये करू देते, मी माझ्या पार्टी विषयी बोलतोय. आमची पार्टी तुम्ही काल रस्त्यावर पाहिली असेल, वर्षावरून मातुसेवर जाताना उद्धव ठाकरे जागोजाग रस्त्यावर, जे वातावरण होतं, जी जनता रस्त्यावरती उतरली, ती शिवसेना. संपर्क में लगभग 20 विधायक है, मैं आपको बताता हूं. और जब मुंबई में आ जाएंगे तो पूरा खुलासा हो जाएगा. आपने मेरे चेहरे पर देखा है, कोई तनाव है, कोई शिकंज है, कुछ नहीं है. इस प्रकार की जो संकट है, प्रसंग है, तूफान है, उनसे सामना करने का पूरा अनुभव हमको है. हम बाला साहब ठाकरे जी के साथ सालों साल से काम किया है, उद्धव जी के साथ काम किया है. सिर्फ हम बाला साहब के भक्त बोलने से नहीं होता है. जो भक्त बाला साहब का किसी प्रेशर में पार्टी छोड़ता है, ED के दबाव में पार्टी छोड़ता है, वो बाला साहब का भक्त नहीं हो सकता. हम है, हमारे ऊपर भी पूरे दबाव है. हमारा एक मंत्री 4 दिन से लगातार ED के ऑफिस में जाकर बैठ रहा है, उसने पार्टी नहीं छोड़ी. मैं और मेरे परिवार के ऊपर पूरा दबाव है ED का. हम आज भी ठाकरे परिवार और पार्टी के साथ रहेंगे और आखिरी सांस तक रहेंगे.